Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं WrestleMania 40 के Night 2 के विनर्स, सरप्राइजेस और रिजल्ट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है, कल मैंने शाम को वीडियो अपलोड की थी WrestleMania 40 के Night 1 के विनर्स, सरप्राइजेस और रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर आपको वो वीडियो देखने तो मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियोज में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने नाइट 1 के सब मैचेस के विनर्स, सरप्राइजेस और रिजल्ट्स कवर किए हैं। और आज के इस फ्रेश एपिसोड में मैं आपको नाइट 2 के सब सरप्राइजेस और रिजल्ट्स बताने वाला हूं। जैसे कि हमको पता है कि WrestleMania कुछ ही दिनों दूर है और हमको इंडिया में संडे और मंडे को सुबह 4:30 AM को दिखने वाला है सोनी 10 और सोनी 10 3 के ऊपर। और अगर आप इसको मोबाइल पे देखना चाहते हो तो आप इसको सोनी लिव के ऐप के थ्रू भी देख सकते हो। डेफिनेटली जो WrestleMania 40 का नाइट 2 का जो गाइस मैच कार है गाइस, पूरा स्टैक्ड है, क्योंकि WWE ने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस नाइट 2 पे रखे हैं। और जो हमारा मेन इवेंट ही है WrestleMania नाइट 2 का, वो ही एक धमाकेदार मेन इवेंट होने वाला है। तो आज के इस फ्रेश एपिसोड में मैं आपको सब मैचेस के पॉसिबल विनर्स, सरप्राइजेस और रिजल्ट्स बताने वाला हूं, इसलिए आज की वीडियो आखिर तक देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं कि जो कि पॉसिबली हो सकता है शो का ओपनिंग मैच फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन द चैंपियन इयो स्काई वर्सेस रॉयल रंबल 2024 विनर बेली। जैसे कि हमको पता है कि जो दोनों स्टार्स की स्टोरी लाइन हमको बहुत ही साल पहले लेके जाती है समर स्लैम 2022 में, जहां पे बेली ने उनके रिटर्न के साथ इयो स्काई और डकोटा काय को उनके साथ लाया था और बेली ने फॉर्म की थी डैमेज कंट्रोल की फैक्शन। लेकिन टाइम जाते जाते डैमेज कंट्रोल ने बेली को ही धोखा देता, जिसको लेकर अभी बेली को इयो स्काई को फेस करना पड़ रहा है WrestleMania 40 में फॉर अ WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। तो कौन हमको पॉसिबली मैच में जीतते हुए देख सकता है? तो मुझे लगता है कि हमको मोस्ट प्रोबेबली गाइस में ये मैच में हमारी बेली ही जीतते हुए दिखने लगे, क्योंकि जो इयो स्काई का एरा है एज अ WWE वुमेन्स चैंपियन गाइस, वो बहुत ही फीका लग रहा है मुझे गाइस। कोई वैसे बड़ी फ्यूड मुझे इतनी दिखी नहीं है सिर्फ बेली छोड़ के, इसलिए मुझे लगता है गाइस बेली के पास चैंपियनशिप देख रहा हूं, थोड़ा जो स्मैकडाउन का जो वुमेन्स डिवीजन है गाइस उसको रिवाइव कर सकती है और हमको थोड़े अच्छे अच्छे मैचेस और फ्यूचर फ्यूज दिखा सकती है स्मैकडाउन पे। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली कि बेली फाइनली उनका रिवेंज लेने वाली है डैमेज कंट्रोल के सामने, ये मैच में इयो स्काई को हरा के जीत लेगी WWE की वुमेन्स चैंपियनशिप एट WrestleMania 40। फिर गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है अ सिंगल्स मैच बिटवीन द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेस द मेगास्टार एलए नाइट। तो डेफिनेटली गाइस मैच तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे कि हमको पता है दोनों स्टार्स बहुत ही अच्छे मैचेस डिलीवर करते हैं, इनके फ्यूड भी हमको पता है बहुत लंबे समय से चल रही है, तब से ये लोग रोमन रेंज को चैलेंज करने देख रहे थे फॉर द WWE चैंपियनशिप और तब से लेकर अभी तक इनकी बहुत ही बड़ी राइवलरी हुई है। तो कौन हमको पॉसिबली मैच में जीतते हुए देख सकता है? तो मुझे लगता है मैच में गाइस मोस्ट प्रोबेबली जो कि हमारे द एलए नाइट है गाइस, वो ही ये मैच में मोस्ट प्रोबेबली जीतते हुए दिखने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है गाइस WWE गाइस पुश कर रही है एलए नाइट को एज द नेक्स्ट बिग स्टार इन WWE। हां नहीं गाइस, ये 40 इयर्स की तो है यानी हमारे एलए नाइट, पर फिर भी मुझे लगता है गाइस कि WWE वाले गाइस एलए नाइट को एक दो साल में वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले हैं। और इसलिए गाइस ये बहुत ही बड़ा विन एलए नाइट को लगने वाला है WrestleMania 40 में एजे स्टाइल्स के सामने, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि मैच में एलए नाइट एजे स्टाइल्स को हराने वाले हैं। फिर गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है फॉर अ WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अ ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन द चैंपियन लोगन पॉल वर्सेस द प्राइस फाइटर केविन ओवेंस वर्सेस द वाइपर द एपेक्स प्रेडेटर 14 टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रैंडी ऑर्टन। डेफिनेटली मैच देख के मैं WWE वालों को बोलना चाहता हूँ, भाई आपने ये बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ऑलमोस्ट एक WWE चैंपियनशिप के मैच के लेवल का मैच अनाउंस किया है। लेकिन मुझे तो गाइस एक बार ऐसे भी लग रहा है कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का जो मैच होने वाला है उससे भी गाइस बड़ा मैच ये हमको मैच लगता है, क्योंकि इसमें तीन बड़े WWE के टॉप स्टार्स है। लोगन पॉल नो डाउट कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है सिंस उन्होंने रिसेंट में कैसे परफॉर्म किया है। केविन ओवेंस हमको पता है वो कितने अब आजकल एस्टेब्लिश स्टार बन रहे हैं और रैंडी ऑर्टन तो बोलने की कोई जरूरत है नहीं मुझे, कितने बड़े स्टार है। तो डेफिनेटली मैच तो अच्छा होने वाला है, तो कौन हमको पॉसिबली मैच में जीतते हुए देख सकता है? अभी गाइस मुझे लगता है हमको मोस्ट प्रोबेबली मैच में जो लोगन पॉल है गाइस उनसे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डोले गाइस वापस ले सकते हुए दिख सकते हैं। अभी आप पूरा मसला समझो गाइस, क्राउन जूल में लोगन पॉल जीते थे WWE के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और तब से लेकर गाइस आज तक 100 दिन के भी ऊपर हो गए हैं लोगन पॉल को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनकर, और उन्होंने सिर्फ एक ही बार चैंपियनशिप डिफेंड की है वो भी रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कि WWE की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है गाइस, वो हमेशा गाइस हमको उसको एक मिड कार्ड चैंपियनशिप मानते हैं जो कि रेगुलरली WWE के टीवी पे यानी स्मैकडाउन या रॉ पे डिफेंड होनी चाहिए। और ये बनना तो गाइस वहां पे तो छोड़ो गाइस, प्रीमियम लाइव इवेंट्स में भी गाइस ये चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर रहे,
जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि पॉसिबली गाइस जरूरी ये मैच में ट्रिगर दबाते हुए दिखने वाली है और हमको पॉसिबली गाइस रैंडी ऑर्टन को बनाते हुए दिखा सकती है द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। में पूरा मसला गाइस ये है कि अगर रैंडी ऑर्टन ने मैच में गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत लेते तो हमको जैसे कि याद है कुछ साल पहले जैसे जॉन सीना ने गाइस उनका चालू किया था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ओपन चैलेंज हर हफ्ते, तभी गाइस वो शोज भी इंटरेस्टिंग हो गए। तो पॉसिबली गाइस रैंडी ऑर्टन के साथ भी सेम चीज कर सकते, रैंडी ऑर्टन फेस सुपरस्टार है, तो पॉसिबली गाइस हमको रैंडी ऑर्टन ने गाइस अगर रेसलमेनिया 14 में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमको ओपन चैलेंजेस करते हुए दिखने वाले। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि हमारे जो कि रैंडी ऑर्टन है ये मैच में लोगन पॉल और केविन ओवेंस को हराते हुए दिखने वाले हैं और ये मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतते हुए दिखने वाले हैं। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है अ सिक्स मैन टैग टीम मैच ऑफ फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट बिटवीन बॉबी लैशली एंड द स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस कैरियन क्रॉस एंड एओपी। डेफिनेटली गाइस ये मैच तो अच्छा होने वाला है, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टैग टीम्स और बड़े बड़े सुपरस्टार रेसल करते हुए दिखने वाले हैं, तो कौन हमको पॉसिबली जीतते हुए दिखने वाला है। तो मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले गाइस ये मैच में जो कि हमारी तो फाइनल टेस्ट है मैंने गाइस कैरियन क्रॉस और एओपी गाइस उनको ये मैच में पॉसिबली विन देते हुए दिखने वाले। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है जो कि हमारे कैरियन क्रॉस और एओपी गाइस जरूर उनको डेवलप कर रही है एज द नेक्स्ट बिग थ्रेट इन डब्ल्यूडब्ल्यूई और उनको विन की गाइस बहुत ही जरूरत है अगर उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में गाइस टॉप पे सर्वाइव करने। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि कैरियन क्रॉस और एओपी ये मैच में बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हरा के सक्सेसफुली मैच जीतते हुए दिखने वाले हैं। फिर गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर अ WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अ ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन द चैंपियन लोगन पॉल वर्सेस द प्राइस फाइटर केविन ओवेंस वर्सेस द वाइपर द एपेक्स प्रेडेटर 14 टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रैंडी ऑर्टन। डेफिनेटली ये मैच देख के मैं WWE वालों को बोलना चाहता हूँ भाई आपने ये बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ऑलमोस्ट एक WWE चैंपियनशिप के मैच के लेवल का मैच अनाउंस किया है, लेकिन मुझे तो गाइस एक बार ऐसे भी लग रहा है कि वर्ल्ड हेवीवेट का जो मैच होने वाला है उससे भी गाइस 12 मैच ये हमको मैच लगता है क्योंकि इसमें तीन बड़े WWE के टॉप स्टार्स है। लोगन पॉल नो डाउट कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है सिंस उन्होंने रीसेंट में कैसे परफॉर्म किया है। केविन ओवेंस हमको पता है वो कितने अब आजकल एस्टेब्लिश स्टार बन रहे हैं और रैंडी ऑर्टन तो बोलने की कोई जरूरत है नहीं मुझे, वो कितने बड़े स्टार है। तो डेफिनेटली मैच तो अच्छा होने वाला है, तो कौन हमको पॉसिबली मैच में जीतते हुए देख सकता है। अभी मुझे लगता है हमको मोस्ट प्रॉबली मैच में लोगन पॉल है गाइस उनसे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप WWE गाइस वापस ले सकते हुए देख सकते हैं। अभी आप पूरा मसला समझो गाइस क्राउन जोल में लोगन पॉल जीते थे WWE के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और तब से लेकर आज तक 100 रिंग के भी ऊपर हो गए हैं लोगन पॉल को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनकर और उन्होंने सिर्फ एक ही बार चैंपियनशिप डिफेंड की है वो भी रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कि WWE की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है गाइस वो हमेशा गाइस हमको उसको एक मिड कार्ड चैंपियनशिप मानते हैं जो कि रेगुलरली WWE की टीवी पे यानी स्मैकडाउन या रॉ पे डिफेंड होनी चाहिए और ये बनना तो गाइस वहां पे तो छोड़ो गाइस प्रीमियम लाइव इवेंट्स में भी गाइस ये चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगता है कि पॉसिबली गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच में ट्रिगर दबाते हुए दिखने वाली है और हमको पॉसिबली गाइस रैंडी ऑर्टन को बनाते हुए दिखा सकती है द न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। में पूरा मसला गाइस ये है कि अगर रैंडी ऑर्टन ने मैच में गाइस WWE की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत लेते तो हमको जैसे कि याद है कुछ साल पहले जैसे जॉन सीना ने गाइस उनका चालू किया था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ओपन चैलेंज हर हफ्ते, तभी गाइस वो शोज भी इंटरेस्टिंग हो गए। तो पॉसिबली गाइस रैंडी ऑर्टन के साथ भी सेम चीज कर सकते, रैंडी अभी फेस सुपरस्टार है, तो पॉसिबली गाइस हमको रैंडी ऑर्टन ने गाइस अगर रेसलमेनिया 14 में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमको ओपन चैलेंजेस करते हुए दिखने वाले। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि हमारे जो कि रैंडी ऑर्टन है ये मैच में लोगन पॉल और केविन ओवेंस को हराते हुए दिखने वाले हैं और ये मैच में WWE की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतते हुए दिखने वाले हैं। फिर गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन हाईलाइट शो के मेन इवेंट मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन द चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रिंग्स वर्सेस रॉयल रंबल 2023 एंड 2024 विनर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। डेफिनेटली बहुत ही एंटीसिपेटेड मैच होने वाला है, इन रीसेंट टाइम्स हम WWE में देख रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि रोमन रेंज 2020 में चैंपियन बने हैं, ये उनका पहला मेरे को गाइस लगता है इतना बड़ा गाइस मैच होने वाला है जहाँ पे इतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो फैक्टर है गाइस वो बहुत ही होने वाला है। एक साइड में रोमन रेंज खड़े हैं द रॉक और पूरी की पूरी ब्लड लाइन जिमी उसो सोलो सिक और पॉल हेमिंग के साथ, और कोडी रोज के पास सिर्फ दो ही बंदे हैं मदद करने के लिए जो कि है जिमी उसो एंड हिज फ्रेंड सॉरी गाइस नॉट जिमी उसो गाइस जे उसो एंड सेट फ्रीकिंग रॉलिंस। तो डेफिनेटली गाइस मैच में तो हमको बहुत ही इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिखने वाली है सिंस ये एक
ब्लड लाइन रूल्स मैच होते हुए दिख रहे थे। पहले मुझे लगता है गैस जो कि जिमी उसो गैस उनको हमको टेकआउट करते हुए दिखने वाले हैं हमारे मेन इवेंट जे उसो। और सोलो सिकोवा के लिए गैस हमको एक बहुत ही स्पेशल बंदा रिटर्न आते हुए दिखने वाला है उनको टेकआउट करने के लिए। बिल्कुल सेंस में गैस वो होने वाले हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। देखिए हमको पता है गैस बहुत ही बड़े सोर्स से रिपोर्ट आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले गैस कैसे भी करके रेसलमेनिया 40 में जॉन सीना को इन्वॉल्व करने को देखे। तो पॉसिबली गैस ये मैच में हमको पता है कि इस क्राउन जूल में गैस जॉन सीना को सोलो सिकोवा ने बहुत ही गंदी पिटाई करके डब्ल्यूडब्ल्यू से भगा देता। पॉसिबली रिवेंज के लिए गैस जॉन सीना मैच में वापस आते हुए देख सकते हैं और वो सोलो सिकोवा को अटैक करके टेकआउट करते हुए देख सकते हैं मैच से। में बचे रहेंगे हमारे द रॉक अकेले और तभी हमको आते हुए दिखने वाले हैं द रॉक के बिगेस्ट राइवल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन द रॉक दोनों गाइस रिंग से ब्रॉल आउट करते करते द रिंग से निकल जाएंगे और रिंग में सिर्फ रहेंगे हमारे कोडी रोस एंड रोमन रेंज। और अभी सबको लग रहा रहेगा कि रोमन रेंज अकेला पड़ गया है। फाइनली वो टाइम आ गया है कि रोमन रेंज ये मैच हार के उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारते हुए दिखने वाला है कोडी रोस। और फाइनली वो टाइम आ गया है कि कोडी रोज उनकी स्टोरी फिनिश करेगा। लेकिन यहाँ पे ही एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होने वाला है और वो है सेट फ्रीकिंग रॉलिंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में तभी सेट रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच होता तभी पूरी की पूरी ब्लड लाइन ने इंटरफेरेंस करके सेट रॉलिंस का वो मैच कॉस्ट किया था। लेकिन तभी गाइस सेट रॉलिंस के मदद के लिए ना मेन इवेंट जे उसो आए, ना कोडी रोज आए, ना जॉन सीना आए, ना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। तो ये चीज का गुस्सा रहेगा सेट रॉलिंस के मन में और वो मैच में आएगा और कोडी को लगेगा ये बंदा तो मेरे साइड में। तभी गाइस सेट रॉलिंस धोखा देगा कोडी रोज को और वो रोमन रेंज की मदद करेंगे मैच में जीतने के और वापस से रोमन रेंज सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ये मोस्ट प्रोबेबली फिनिश होने वाला है रेसलमेनिया 40 में जहां पर उनको रोमन रेंज उनकी चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले हैं। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।